प्रत्येक भक्त बंधु मानक पवित्र नरेन्द्र पुष्करणी स्वागत करुच्ची शुभेच्छा जनाऊँ आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँ महाप्रभुंकर ये चंदन यात्रा दीर्घ एक दिन चंदन यात्रा महाप्रभु 15 दिन आज को महाप्रभुंकर ये चंदन यात्रा आज दिवस महाप्रभु 15 दिन में पहुँची आहरी 6 दिन महाप्रभुंकर ये यात्रा बाकी रही प्रत्येक दिन महाप्रभु भक्त मान उद्देश्य विविध प्रकार बेसरे सज्जित हो महाप्रभु तांकर यात्रा आरंभ करी थांत जो यात्रा विविध प्रकार बेश महाप्रभु प्रत्येक दिन होई थांत से बेश को महाप्रभुंकर दर्शन करिबा पाई अनेक भक्त मध्य नरेन्द्र पुष्करणी को आसी थांत चंदन यात्रा सहित महाप्रभुंकर ए बेश दर्शन करी थांत कारण शास्त्र रे वर्णित अछि दोलेश्य दोल गोविंदम चापेश्य मधुसूदनम रथेतु वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते यही भावना रखी भक्त आसी भक्त जिते अनुभव करते नरेन्द्र पुष्करणी रे चंदन यात्रा रे चंदन जात सहित महाप्रभु को जय जगन्नाथ टीवी से भक्त मान को नहीं एक स्वतंत्र कार्यक्रम आरंभ करिथाए भक्त अनुभूति बा भक्त सहित अंतरंग आलाप से अंतरंग आलापुरु भगवान को कथा को भक्त कही था प्रति कथार प्रति शब्द रे अनुभव करू आम महाप्रभु को आपण मध्य आसंतु से अनुभव कार्यक्रम को आम निश्चित भाव आरंभ करिबा अनेक भक्त अच्छा आज से कार्यक्रम को आम स्वागत करिबा प्रथम भक्ता जड़े अच्छा महाप्रभुंकर जय जगन्नाथ सकल टी कार महाप्रभुंकर जिते भक्त ताहंती देखुं आपण आपण निरुपमा महांती मो ना पुरी रही मु आम प्रत वर्ष आसु चंदन यात्रा देखापी तो यही वर्ष भी आसीचु जिते जगन्नाथ मंदिर सामनार ठाकुर पार्लिंगी मणि विमान विजय कर आसिले ठाकुर आम भी गीत बोली बोली ठाकुर को दर्शन करने को आसीचु बहुत सुंदर अनुभूति आज्ञा जी भी यही सब जगह उपस्थित अच्छा सी आज सतरे ठाकुर को फिल करेंगे आम पर भी आम समस्ते सांग बाबा मामा मु भाई समस्ते सांग आसीचु बहुत सुंदर दर्शन है ठाकुर बहुत चंदन यात्रा भी आम देखिल प्रत वर्ष तो चंदन यात्रा हुए कि प्रत वर्षर गोटे निरा अनुभूति तो यही वर्षर अनुभूति भी आम बहुत निरा था बहुत मन खुशी लगे एमती लगुच ठाकुर आगे आगे जाऊँ हसी हसिक आमको चाहूँ आम भी ठाकुर सहित हसी हसिक नाची नाचिक रास्ता सारा आसलु ठाकुर चंदन यात्रा भी चाप आराम से देखिल ठाकुर को इन्हें मंदिर भितर को जाकि दर्शन करूँ ठाकुर चंदन कुंडे अच्छा आम घर को सब जी चंदन यात्रार श्रीमंदिर जिते महाप्रभु बाहरी था भक्त मान सहित बाहरी था जो अनुभव कर महाप्रभु आपण को चाहू था आपण भगवान को चाहू था ये भावर जात्रा रे आपण सामिल होते नरेन्द्र पुष्करणी पहुँचले चाप नौका विहार देखला महाप्रभु वर्तमान जल कुंड दर्शन प्राप्ति हो ना एबे तो जाइनु एबे तो सांगे सांगे ठाकुर गले भितर को बहुत भीड़ टे फांका आम मंदिर भितर को जीव दर्शन कर चंदन यात्रा देखिबा पाई मन रे काई प्रबल आग्रह आसे प्रथम कथा तो आज्ञा आम पूर्व जन्म बोधे हिमालय गोटे गोड़े ठिया कि तपस्या करूँ पूरीर आम बासी तो से ही सौभाग्य रूप आमको प्रत वर्ष 12 मास 13 यात्रा देखा सौभाग्य मिलू तो से ही अनुसार आमको चंदन यात्रा तो आम प्रत वर्ष देखू आखिबू मोर तो कामना मुझे जो पर्यंत मानते मो जीवन लास्ट दिन पर्यंत मुझे ठाकुर को केवे भी न देखिक रही प्रति वर्ष चंदन यात्रा देखा आसती प्रति वर्षर अनुभव भिन्न रहे निश्चित भिन्न कहीं ठाकुर आज आप ठाकुर को देखिए सी आपन को गोटे प्रकार अनेक हसुथे तो कल आप देखिए ठाकुर आउ गोटे प्रकार चाहणी थी आपण मनर बस भाव दरकार भाव में अनेबे ठाकुर प्रतिदिन गोटे नुआ रूप आप देखे आपण जीवन एमती खुशी खुशी बीतीज केवल चंदन यात्रा रे अनुभव करती ना महाप्रभु को जिते श्रीमंदिर जगन्नाथ दर्शन हुए से अनुभव करते आज्ञा यहाँ तो आपण भी जानते जगन्नाथ जो सिंहद्वार बसिकी रत्न सिंहासन दर्शन करूँ सी भी जुग तीन विग्रह बसती बहुत सुंदर दर्शन आम पुरी तो जीवंत ठाकुर ठाकुर को आम जीवंत ही फिल करूँ एमती नुह जमी मंदिर मानक विग्रह बसी मुंडिया मारिकी आसो सेमती नुह दि मिनट ठाकुर आखिकी चाहदेवे आपण को फिल हम ठाकुर भी आपण को आखिकी सेमती अनईं तो प्रतिदिन आम ठाकुर को ये फिल करूँ मु तो घर उपरे ठिया नील चक्र को देखने भी एमती लगे मतलब ठाकुर से हाई करुँच
महाप्रभु को जेतेबेले आपण पाखरु पांती बा निकटरु देखंती सेतेबेले प्रत्येक भक्त किछि ना किछि महाप्रभु को कहिबा को बेग्रता थाए आपण सेमति महाप्रभु केबे कहिबार सुजोग महाप्रभु दैछन देइछन्ति निश्चिंत किंतु मोर गोटे जिनस हुए मुझे जेबे भी ठाकुर आग को जाए कौन पाई जाने मुझे भूली जाए सब बस मुझे ठाकुर को अनेक ही रही जाए बहुत खुशी लगे मत लगे मुझे पूरी अच्छी कौटी अच्छी बस मुझे जगन्नाथ सांगे अच्छी महाप्रभु भूल महाप्रभु सम्मुख को गले भूली जाते ना महाप्रभु भूल दिं भूले दिखती बोधे ठाकुर ठाकुर भावती एत घर को गले सब दुनिया नाटक हम ये मो सांगे टाइम स्पेड हो जाए ठाकुर भूल दिखती बोधे महाप्रभु कहीं भूलांती यार अनुभव कर महाप्रभु सम्मुख को गले समस्त मनस पटे जो चिंता था सब भूली जाए निश्चित तो महाप्रभु भूल दिखती कौन कहीं आम ठाकुर को सही मन भाव में डाकू जाकि एम मन इच्छा बुली बालिकी जगन्नाथ को आसे ठाकुर के भूलैबे आम जदि देखिकी भूलवा को चाहे ठाकुर निश्चित भूलैबे महाप्रभु के अनुभव दे जीवन कारण सुविधा थी असुविधा थी कौन से प्रकार एमती कार्य आपणकर मन भितर भावे महाप्रभु कहते महाप्रभु से कार्य को करुभव कर महाप्रभु ये कार्य ही संपन्न कर निश्चित बहुत थर जीवन रे अनुभव कर जगन्नाथ को साहय मैंने जगन्नाथ तो एमती लगुच मु जन्मठू नहीं कि आज पर्यंत टेन्थ प्लस टू प्लस थ्री मुझे जहाँ भी पढ़ी मो सांगे सांगे ठाकुर अच्छा आपर भी गोटे एक्सपीरियंस मुझे पूर्व वर्ष बाहर को बुलाक जा केदारनाथ जाइली एक्चुअली कौन सी कारण चढ़ी पारिनी ऊपर को गोटे सेकेंड पर मनरे लगेगा ना मुझे जापरि कि मुझे ठाकुर को गला बेल ठाकुर को कहीकि जाइली मुझे जाची मो देह एत बल नहीं मो सांगे आप कहीं तो पूरी जाऊँ मैंने आपन को लेकिन ही जी ना आव तो आप बड़ भाई आपण भी ठाकुर सी भी आप ठाकुर तो गोटे सेकेंड पर लगे ना मुझे जापरिनीतापुर मुझे भाविली मुझे कष्ट आसली पुणी मोर इच्छा थी चलिकी ही ठाकुर सतरे कौन ठाकुर मुझे जापरिनी एति कौन आपर ये फाइनाली आप विश्वास करें चमत्कार होगा मुना एक्चुअली से गोटे सेकेंड पर बसी जामी लगला जी हाँ मानने पूरा खर्चा होगा चारिड़ आकाश मुझे रियल कथा कहे मुझे हिमालय मुझे शिव को दर्शन करी लाइव दर्शन कली शिव को से एत बड़ बड़ बरफ पहाड़ भितर मत एक्चुअली ठाकुर देखागले कहीं जगन्नाथ ठाकुर को इनफर्म करदे जो मोर लोक जाऊँ पूरी को से जापाराज्य करूँ करी जगन्नाथ आई मुझे एत बड़ घाटी चलिकी पलैली आठ जीवन तो अनुभूति मोर आ प्रति मुहूर्त आप जगन्नाथ को अनुभव करती महाप्रभु सब आपण करई नौ भाव रही हाँ सेटा तो ठीक कथा जगन्नाथ बिना मु नुहे मो बिना जगन्नाथ निश्चित हो पारे कि मत लगे मत भी जगन्नाथ बोलते चाहते मुझे ठाकुर मो कथा सब शुणी और सब शुणी कर मो मनस्कामना सब मानते पूर्ण कर महाप्रभु सेमती आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण करतु महाप्रभु को मध्य से भक्तिर सहकार से भाव में रखी था जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे पुस्तक प्रदान करी धन्यवाद भक्तंकर अनुभूति जेतेबेले आम शुणा को पाई बा भक्त माने तांकर अनुभव कथा कही था प्रकृत में महाप्रभु एभली लीला करती भक्त सहित निश्चित भाव केतेबेले चमत्कारिता महाप्रभु भक्त को देख था केतेबेले तांकर मनर भावर कथा को महाप्रभु निजे से भक्त को जनई था अनेक भक्त अच्छा तांकर भक्तिर कथा आम निश्चित भाव में शुणा जय जगन्नाथ आपण ना कौन मो ना अनिता महांती मुरी आम पुरी में रहू आ प्रति वर्ष चंदन यात्रा हुए अक्षय तृतीया आरंभ हुए एक चंदन यात्रा हुए प्रति वर्ष आम चंदन देखा आसु जगन्नाथ बार मस तेर यात्रा रे ये गोटे यात्रा बार मस तेर यात्रा महाप्रभु करती आ प्रत्येक यात्रा भक्त मानी करते चंदन जात्रे आप विशेषत्व भाव कौन अनुभव कर चंदन जात्रा रे ठाकुर चंदन भल पाती बोली चंदन जात्रा हुए चंदन ठाकुर आसी मणि विमान पालिंग रे आसते चंदन विमान रे आसी डंगारे बसी नरेन्द्र पोखरी रे चंदन जात्रा करती जेतेबेले भगवान चंदन चापरे मणि विमान ओह्ल नौका विहार करती आज करी आपन ता दर्शन करी ता दर्शन आज भी आम कर प्रत वर्ष करूँ आज भी दर्शन करी से
बहुत आनंद पाइलु आम बहुत खुशी लगला पूरी रे सौभाग्य आमर पूरी बासिंदा हो पूरी रही आम ठाकुर बार मस तेर पर्व देखू चंदन जात्रा भी निश्चित महाप्रभु प्रत्येक जात्रा देखापी महाप्रभु सुजोग पूरी रे बास करने को सुविधा दे सुजोग प्रति जात्रा महाप्रभु देखते प्रति जात्रा बार मस तेर पर्व आम देख कौ जात्रा सबुठ आपको आकर्षण लगे भल लगे अनुभव होता है सबुठ आकर्षण लगे तो रथजात्रा से चंदन जात्रा भी बहुत भल लगे रथजात्रा तो अन्यतम सर्वसाधारण भगवान मंदिर रु बाहरी आसी रथरे बसे समस्त दर्शन देवाई रथ को आसपर चंदन जात्रा मध्य ठाकुर सर्वसाधारण को दर्शन आसी चंदन जात्रा करते चंदन जात्रा महाप्रभु भक्त मानक पाई सुदीर्घ जात्रा करितांती सबुटु अधिक दिन चंदन जात्रा करितांती चंदन जात्रा महाप्रभु केते दिन करंती 21 दिन चंद्र चंदन चाप डोंगा रे जो धळा चाप लाली चाप से चाप डोंगा रे के किए को डोंगा रे बसंती मदन मोहन लक्ष्मी नारायण को धळा रो रे ना लाली रे बस से धळा चाप रे बस पंच महादेव रामकृष्ण लाली चापरे आप सब वर्ष आसी महाप्रभु चंदन जात्रा देखते आप जगन्नाथ मंदिर को केवे जा बहुत थर जिते इच्छा आम जगन्नाथ को दर्शन करने मंदिर को जाऊ जगन्नाथ माँ गोटे अनुभूति कहीपर कि आपणकर कार्यक्रम अनुभूति कार्यक्रम प्रति भक्त महाप्रभु को नहीं अनुभव करुभूति आप गोटे अनुभूति कहींपर कौन महाप्रभु आपको साय्य कर उधार कर महाप्रभु तो समस्त को साय्य करमको भी बहुत साय कर भगवान आशीर्वाद ना मनीष कि कौन आशीर्वाद आपटा कह प्रथम तो आशीर्वाद जगन्नाथ पुरी श्रीक्षेत्र आमको रहा प्रथम आशीर्वाद निश्चित भाव से कृपा आपंट श्रीक्षेत्र रहीबार बास करिबार सुविधा महाप्रभु समस्त की दिखती नहीं जय जगन्नाथ टीवी पाखु गोटे पुस्तक आप प्रदान करी धन्यवाद जय जगन्नाथ भक्त आहरी अनेक भक्त अच्छा आम निश्चित भाव में स्वागत करवा से भक्त मानक जो मैंने आसी चंदन जात्रा देखा जय जगन्नाथ आपण ना माँ कौन स्मिताराणी साहू कौटू आप कटक रु बापघर पुरी बापघर पुरी किंतु कटक रे विवाह हेथिले आज्ञा आज्ञा जाहु आपण जते बळे कोठ रहउचंते कटक ना पुरी ने रहउचु कटक रे आछु घर को मंगला आट जगन्नाथ कर अपार गुरु कृपा संगे संगे हात पहुचिल आसीगिरी सीधा ठेवना देखले आउ जगन्नाथ कर अनुभूति कहिबा मा सीमा बाहर मो जीवन मु केमिति बंचे भगवान दयारु माने कहिबा कल्पना बाहर 2004 मु बहुत सीरीयस डाक्टर होमपाथी एलोपाथी कबिराइजी सब सेपटे शाशुघर आपटे बापघर जमा भल हो नीलादी विजय से सीधा बसण चली न थाए से दिन सान भाई सागर आलादी विजय देखा रथरे से छुले आउ कई रथरे बड़ जगन्नाथ को चढ़ऊ ना सुभद्रा को भी चढ़ऊ ना एथरु गोटे पुलिस भाई कहले हाँ जातु आ गोटे पुलिस भाई कहले ना रुहतु तथा मो सान भाई ठेलिक पूरेगला बलभद्र रथरे बलभद्र को छुईक तले मुंडिया मारूँ से दीज पंडा दीपटे था एका मुंडिया मार्च बलभद्र मथार जितक पद्म फूल था सबूक मो उपरे उजाड़ीगला मु आश्चर्य अनुची कौन ये घटना बोली से बड़ पंडा पहाच चढ़ूं से कहले बा बारे भक्त कहीकि मो हाथ रु अधा फूल नहीं समस्त बांटिदेले तापर मु धीरे धीरे भल हो बहुत अनुभूति जगन्नाथ जिते महाप्रभु दर्शन करने को आसी कौन प्रकार औषध खाई सुस्थ हो नाते क्या जनईले बलभद्र को जनईले ना जगन्नाथ को ना सुभद्रा को जन आसी जगन्नाथ दर्शन छुई बिली कि छुईार सुजोग ना जो पटे हेले तो भगवान देले से आशीर्वाद समस्त तो एका आगु कौन जनइबु एमती हठात मसक ते भी आक्सीडेट हेलु पिपिली पाखे पर पुह बहु दी नातुणी मु आगे गोटे बाइक बाला जाऊँगी गाईटा पशिगला से बाइकटा पड़गला
ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପୁଅ ଭାବିଲା ଆମ ଚକ ତଳେ ବୋଧେ ପଡ଼ିଲା ବାଇକ୍ଟା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ହେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସେଥିରୁ ପୁଅର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ତା ବ୍ରେକ୍ ରୋକିଦେଲା ବେଳକୁ ପଛାଡ଼ୁ ଚାରିଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା, ସିଧା ଧକ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲା ଯେ ଆମେ ପୁରା କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋ ଟିକି ଟିକି ଦୁଇଟା ନାତୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ବୋଲି ପୁଅ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମାନେ ଫୁଟପାଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ପିଲା ବି ସୁରକ୍ଷିତରେ ବାହାରିଛି, ବାଇକ୍ ବାଲା ପିଲା, ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଫୁଟପାଥରେ କନିଆରି ଗଛରେ ପୁଣି ରଖିଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲେ। ସେଥିରୁ ମୁଁ କାଲି ସେମିତି ଡାକୁଥାଏ, ଚିତ୍କାର କରିକି ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଇ ଦିଅଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଅ, ପୁରା ଆରାମରେ ଡୋର ଖୋଲିଲୁ ଖାଇଲୁ, ଟଙ୍କେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଆମ ପାଇଁକା। ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନ, ଆହୁରି ଦୁନିଆ ଅନୁଭୂତି ମାନେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଇଏ 2004-2010 ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କାର୍ରେ ଆସୁଛୁ 1990ର ସେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ପୁରୀରୁ, କଟକରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛୁ ବାପ ଘରକୁ, ବଡ଼ ଝିଅ 21 ସରିଲା, ତାର ଦିନ ପିପିଲିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲୁ। ମାନେ ଝୁପଝୁପ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, କାର୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ୁଛି, ହଠାତ୍ ପଶିଗଲା ପୁରା ପିପିଲିରେ, ରୋଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଆ, ସେଥିରୁ ଚାରି ଚକ ଯାକ ଉପରକୁ, ରୋଡ଼ ମଝିରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବିଲରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନା ଆଗରେ ଟ୍ରକ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ 9 ଥାଉ। 9 ଭିତରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ବି କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ଔଷଧ ଖାଇନୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜୟଗୁରୁ ବେକ ସବୁ ସିଟ୍ ତଳେ ପଶିଥାଏ, ଗୋଡ଼ ସବୁ ଉପରକୁ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ଗୋଟେ କାଚ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରିକି, ଡ୍ରାଇଭର ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ତା ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲ ବୋଲି କହିକି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆରାମରେ ସେ କାଚରେ ବାହାରିଲୁ, କାହାର କିଛି ହେଇନି। ମାନେ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁନିଆ ଅନୁଭୂତି ମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମୋର ସୀମା ବାହାରେ, ଦୁନିଆ ଅନୁଭୂତି କହିବା ବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରହିଥାଏ ବା ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବା ମୋର ସକାଳୁ ଚାଲିବ, ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଜୀବନ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତି ପୁରା କହିବା, ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳୁଛି ଘରେ, ମୋ ସାନ ନାତୁଣୀ ତେଲ ଲଗୁଛି, 2 ମାସର ନାତୁଣୀ, ବୋହୂ କହିଲା ମା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆସ ଜଳୁଛି ଗ୍ୟାସ୍। ମୁଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ନାତୁଣୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ପୁଅ କହୁଛି ବୋଉ ପଳେଇବା ଘରୁ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ମୁଁ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଧୁଆରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ବସେଇଲି, ଖାଲି ଅଭୟ ନୃସିଂହ ମୋତେ ପାଣି ଢାଳି ଚାଲିଲି ପୁରା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନକୁ ଲିଭିଲା ଗ୍ୟାସ୍, ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ ମୋ ଜୀବନ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଅଭୟ ନୃସିଂହ ବା ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ଆଇଁଷ ଶୋଇବିନି, ଖାଇବିନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବିନି। ସେଥିରୁ 108 ମାଳି ଗଡ଼େଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେ ସବୁଦିନ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ 4 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, 50-60 କିଲୋ ଓଜନର ଘର ତିଆରି ହେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। 108 ମାଳିଟା ସରିଛି ତ ଦି ନାତୁଣୀ ଯାକ ଠେଲା ପେଲାରେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେଇ ତାଳୁରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବୋହୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୋ ବୋହୁ ନା ଲିମା ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୋତେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇଦେ। ତା ଭିତରେ ଅଭୟ ନୃସିଂହ ମାନେ ଏମିତି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଗଲେଣି। ପୁଅ ଚାହା ପିଉଛି, ଫୋନ୍ ଗଲା, ପୁଅ ଚାହା କପ୍ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଏତେ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ମାତ୍ର 15 ଖାଇଛି ପେନ୍ କିଲର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘର, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗଲି ଝାଡ଼ି ହେବାକୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବନି ମୁଁ ଯିବା। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କଥାରେ କେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସବୁ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଭକ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି କହି ଚାଲିଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜଗତପୁର ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଗତପୁର। ଜଗତପୁରରୁ ଆଜି କେମିତି ପୁରୀକି ଆସିବା ହେଲା? ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଆସେ। ଏଇଦିନ ଆସେ, ଏଇ 7-8 ତାରିଖକୁ ଆସେ, ନହେଲେ ଏକାଦଶୀରେ ବି ଆସେ, ପଳେଇ ଆସେ। ଏକାଦଶୀରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରବଳ ମନ ହୁଏ ଯେ କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା? ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ନ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବି ପୁରୀ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଟିକେ, ଯଦି କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ପୁରୀ। ପୁରୀ ପଳେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସବୁ ଫ୍ରି, ପୁଣି ମାସେ ମାସେ ପୁରା 100% ଫ୍ରି। ଏମିତି ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହିଛି ସେ ମୋର ପୂରଣ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସୁଛି ତ ସେମିତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏମିତି 2000 ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରିନାଥ ଦର୍ଶନ, କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅଧିକ। ଯେଉଁ ସବୁ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ତୀର୍ଥ ଧାମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ? ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯିବ କି ଯିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି, ଆଉ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେଠି ଦେଖିଲି, ଚାରିଧାମ ବୁଲିଲି ଆସିଲି। ଚାରିଧାମ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଧାମର ମହାତ୍ମା, ଏ ଧାମର ମହିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ? ଏଠି ତ ଭଲ ଲାଗେ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଧାମ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ସବୁ ବଡ଼ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଆସିଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଆସି ଆଜି। ଚାପ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ହଁ, ଦେଖିଲି, ଦେଖିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଅଛି ରାତି 10 ଯେଉଁଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହେବ, ପୁଣି ଦେଖିବି, ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। ରାତ୍ରିଚାପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ରାତ୍ରିଚାପ ଏବଂ ଦିନଚାପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବୋଲି? ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ସକାଳୁ ଦେଖିବ ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ ଜାଣିଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ନା ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ନା ପରିବାର ନାହିଁ? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିବାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ ଆଜି ଦିନ 10 ମନ ହେଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲି 12 ଭିତରେ, ସେମିତି ଆସେ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପଳେଇ ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କେଉଁ ଦିନକ ଆଗରୁ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିନଥାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ହେଇନି, ସେମିତି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ କେବେ ଆସିନି। ଆଉ ଗୋଟା ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକିନି ଯେକୌଣସି କାମ କରେ, ଗୋଟା ଘର ମଧ୍ୟ ତ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଘର କଲି, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲି, ଘର କଲି ଯେତେବେଳେ ଛାତ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର ଦରଟା 33 kV ଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ ଛାତ ପକାଉନି, ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାତିରେ ରଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇ ରାତିରେ ଛାତ ପଇଲା, କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ନାହିଁ କି ଘଟିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି କିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାଏ? ନା, ଜମା ହେବନି ବିପଦ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଇଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଟଳିଯିବ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ଭାବର ସହିତ ଡାକିବେ, ଭାବର ସହିତ, ଭାବଟା କେମିତି ଆସିବା ଦରକାର? ଭାବଟା ଆସିବ ସେମିତି, ଭାବର ଗୋଟା ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ପାଣିର କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ, ସେମିତି ଭାବର କିଛି କହିହେବନି, ଭାବଟାକୁ ଭାବ ଭଳିଆ ତୁମେ ଯଦି ଆସିବ ହୃଦୟର୍ଷ, ଯେମିତି ତୁମେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ବାପାକୁ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେମିତି ହୃଦୟର୍ଷ ଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ। ଯେମିତି ଘରର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜର ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ହଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ।
बहुत बहुत धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे पुस्तक आपको प्रदान करी, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भक्तिर कथार समस्ते रही था कारण भगवान को दर्शन करने प्राप्ति होगापी जमी छोटिया कथाटे नुहे घर सदस्य भाई महाप्रभु को भल पाइबा निजर पिला को जमती बाप माँ को सेमती महाप्रभु को सेमती अंतर सहित आंतरिकतार सहित भल पाइले महाप्रभु को कृपा आसी थाए। आहरी भक्त अच्छा खूब भाव में महाप्रभु को डाकुच। जय जगन्नाथ। आपण मोर ना पूर्णचंद्र महांति आम घर हूँ पूरी बालीसाही। आम आज आसलु महाप्रभु चंदन यात्रा देखा प्रत वर्ष आसू आम तो बहुत दिन पर करुणा समय भगवान जहाँ करुणा को भगवान दूर कले भक्त मैंने आसिक पूर्व भाई देखिपारे चंदन यात्रा यापाई आम भगवान पाखे बहुत भी धन्यवाद जनाऊँ। यात्रा बहुत सुंदर भाव चली पूर्व भाई भक्त मैंने भी पूरी की बहुत जोर बहुत मात्र आसवान करूँ आउ ये रोग न आसू पूर्व भाई चलू भगवान तो दया पूरा पृथ्वीवासी रू समस्ते भल निश्चित भाव में जो महामारी कोरोना आसी से कोरोन समस्ते अनुभव करते कष्ट महाप्रभु को देखार ना भक्त को देखार ना यात्रा देखार ना से जो अवस्था को समस्ते अंगे लिभेई प्रभु आउ बोधे हुए देवे ना भक्त को आपत जो चंदन यात्रा को आसती श्रीक्षेत्र घरे कौन घर पूरी से प्रति वर्ष पिला आस आज्ञा ना मोर बाहर है बाबा मामा आसे आम पर आसू बाबा मामा मो सान भी तो यात्रा देखने बहुत भल लगे महाप्रभु प्रभु तो पाखे देखिले आम निज घर लोक सहित सामान जेहेतु से चारिकोटी ओडियां मुख्य ब्रह्मांड नायक तेणु आमको बहुत भल लगे पूरा जगन्नाथ तो बार मस तेर पर्व आम सब पर्व प्रायत तो देखी था जहाँकि देखने बहुत शांति मिले महाप्रभुरा प्रत्येक जित्रा उत्सव शांति ही लगी थाए जेहेतु मंदिर पाखे आपणकर घर मंदिर को केत समय जाती दिन के मंदिर को तो देखो पाखे रहा लोक तो जाती कि सब जाए स्टेशन पाख गाड़ी फेल आज्ञा मिछ कथा तो कहूनि महाप्रभु आम जाऊ मसक थे एमती जाऊ दु थर थे ना जो पूजा पर्व है निश्चित आम दर्शन करूँ आहुत लोक आसार भक्त सुविधा से आम भी जापरू ना गहली आप बर्तमान जो प्रशासन नियम बहुत लंबा लाइन तेणु आम आसू आम जो आसू सन्ध्या आसू भगवान दर्शन बहुत भलसे हुए बहुत शांति भी लगे तेणु सबू तो आसबू आम मिछ कथा भी भगवान मानुन आम आसू मसक थे खंडे आसू निश्चित भाव में महाप्रभु को थे कौन आसवा भी दरकार ना मन भितर डाकिले भी महाप्रभु अंतर भितर अंतर्जामी कृपा दिये अनुभव दिये गोटे कथा कह जगन्नाथ चैनल को बहुत धन्यवाद ये जो तीन चार वर्ष स्टार्ट गोटे वर्ष है महाप्रभु सेवार रही जय जगन्नाथ यही चैनल एमती चलू पृथ्वीर चारिपटू कौन कौन लोक दर्शन करूँ जो मैंने भी आसपार ना पूरी डिजिटल जुग आपने जो सब रिचुआल देखते भगवान बहुत भल आउ खास करी जो पतक लगे भक्त मानते उत्कंठा रही है देखू से प्रत वर्ष प्रतिदिन आप लाइव देखा आम भी आम छात उपुर देखू भगवान को कि आप चैनल भी बेले बेले देखू आम बहुत भल लगे आम रिलेटिव मैंने जो बाहर भी रोचान से आप चैनल सब्सक्राइबर प्लस डायरेक्ट भी देखती आमको भी कहते जगन्नाथ चैनल तुम के आसिक कह जगन्नाथ को बहुत भल पाऊ जो आसतु सी आप चैनल भी खोजते तेणु बहुत ये गोटे भल कथा एमती चैनल आपलू लोक मैंने भल पाइबा दे था आउ भगवान नीति नियम भी देखार से सुजोग लाभ कर महाप्रभु को आप प्रकृत विश्वास कर आज्ञा बहुत विश्वास कर पूरी में रहीकि जगन्नाथ को जब विश्वास कर आम महापापी पापी तो निश्चित किंतु कहा जाए जी पाखे रहे महाप्रभु अनुभव टी पाई नए दूर से थे महाप्रभु अनुभव पाई पाई आज्ञा पाइबुन केमी जेहेतु भगवान पाखे आमको रखिंट पूरीवासी करा बहुत पुण्यर काम आखिरी कोटि कोटी प्रणाम भी तेणु अनुभूति तो सब वाले रही है भगवान अनुभूति आपणकर रही कौन एम अनुभूति गोटे कहते आम भक्त बंधु मैंने आज कार्यक्रम देखुं भक्त अनुभूतिर कार्यक्रम ये एमती गोटे अनुभव कथा कहे ना भक्त मैंने जानवे महाप्रभु प्रकृत में प्रत्येक भक्त को दया कर कृपा कर अनुभूति होती आज्ञा प्रति वर्ष समस्ते चारिधाम यात्रा जाती आमर भी बहुत मन थी आम भी बद्रीनाथ जीवु केदारनाथ जीवु कितु आम जापलु सी आम टाइम अभाव हो भगवान टाँचा प्रोब्लेम जहाँ भी आम असुविधा अच्छी कितु आर वर्ष ये सुजोग भगवान आमको देते जेहेतु ये हूँ कलीजुगर मत वैकुंठ और सी हूँ सत्यजुगर माटी तेणु आम थे दर्शन करवा चाहूँ बद्रीनाथ को सब भगवान आसिक कहू आमको सुजोग दिंतु आम पर नहीं आपको दर्शन करवाक जीव से ही सुजोग भगवान आर वर्ष आमको कार्तिक मसरे देते आम जा तो आम गला रास्ता भी बहुत जाम थी भूस्खलन भी होता
तेणु भगवान को आम प्रार्थना कर डाकी भल भल दर्शन करके भी आसलु आई दर्शन पर आम मु जन्म रू पा बलू शुणी आसमें दिन चारधाम करवा यहाँ आम हिंदू धर्म जेहेतु आम चारिधाम मूलमंत्र तेणु आमर बहुत इच्छा था भगवान ये आल वर्ष आमको पूर्ण करते दर्शन कर भी करूँ बहुत पुण्य लगी आगे मानते विश्वास करते खुशी आमको लगी जगन्नाथ दर्शन जो कहते चारिधाम जगन्नाथ चारिपटे बुले भी पुण्य मिलता है कितु ता सहित जेहेतु आम हिंदू आम चारिधाम को दर्शन कलु जगन्नाथ चारिपटे भी पुण्य अर्जन कलु भगवान एमती आमको कृपा दृष्टि चाहिए था आम छत्र छाय तले भल रखी था निश्चित भाव में महाप्रभु छत्र छाय तले आपको रखत जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे पुस्तक आपको प्रदान करी सेमती जय जगन्नाथ टीवी सहित संपर्क महाप्रभु सहित संपर्क रही था जय जगन्नाथ भक्त बंधु सकल तीर्थ तचरणे बद्रिका जीवी किकारणे जो चारिधाम रही महाप्रभु चारिधाम मंदिर मध्य रखुच्च महाप्रभु श्रीमंदिर मत सबू भक्त मानी जो सुविधा बंदोबस्त करता से भक्त ही अनुभव करें प्रकृत सबु तीर्थ ये सबुधाम आसतु आउ जड़े भक्त अच्छा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपण का ना कौन मो ना भास्कर दास भास्कर दास जा हौ हस हस मुहरे आज श्रीक्षेत्र कौट आ मुझे माँ भगवती पीठ बाणुपुर मो बाणुपुर पाखे बालड़ी बोली गोटे ग्रा गाँ अच्छी से ग्रामर मुसिंदा आह सुंदर गाँ टे हाँ हाँ भगवती इष्ट देवी भगवती को दर्शन कर आज्ञा माँ जिते डाकती सेत जाए आमर बजार को जीवा आसिया रास्ता किंतु सदा बेले जाई पारेनी केते बेले मन पड़े ता मन को टाणी है कि से टाणी के नहीं जाए आज सेमती टाणी है कि जगन्नाथ डकरारे आपण क्षेत्र को आसी थे आज्ञा मु पांच सात दिन हला निर्णय कर सारे मान अखी तृतीया टू जे मदन मोहन गला वर्ष मु आसतली यही चाप खेल टाइम देखिकी जाइतली आम स्वामी स्त्री आसतलु हेले से जो दृश्य तार दृश्यर जो आपण मैंने जो कहते ये दृश्य देखिया परे पुनर्जन्म ना मनर है विश्वास विश्वास जेड़े प्रभु तेड़े जदि विश्वास नहीं ताहले प्रभु अन्य लोकों पत्थर बा काठ काठ कि पाषाण से तैयारी हेले विश्वास है बड़ जिनिष प्रकृत भगवान को जदि विश्वास करवा प्रभु पत्थर हूँ अविश्वास कले पत्थर हूँ आज्ञा जदि आम विश्वास डाकवा तेल सी आम पाखे अच्छा आम चतुर्पार्श्वर से घूरी पड़ी कहीं से कहते जे भक्त मोठू बड़ मु बड़ नुह मोठ भक्त बड़ प्रकृत ये जो अनुभूति मोर मोर जी वर्ष होला प्राय सतुरी वर्ष टाइम होगा यही भितर मुझे अनुभूति करुभूति गोटे बड़ अनुभूति मु किसी पैसा संग्रह कर रखी कड़े तो जापर मो जीवन काल भितर मुद्वार जी निश्चय बुलाया को जे लोक कहती हरी द्वार है हरद्वार एमती मो मन भावना था अकस्मात गोटे आसला गोटे हावा मो कान को जड़े कहते तुम्हें चारिधाम करने जीव कि मो पाखे पैसा ना चारिधाम करते दिन दरकार कम से कम दिमास आ पैसा मध्य लक्ष देढ़ लक्ष हेले मु चारिधाम करी केमी करी एमती है प्रभु आसला हरी अर्डर जगन्नाथ को नमस्कार करमति मागलु प्रभु ये चारिधाम मोर सफल हो गोटे जोड़े धाम करी जदि घर कौन से असुविधा होगा मुझू बाउड़ी मोर चारिधाम हो पारनी तेणु मोर चारिधाम सफल हो जगन्नाथ को मागिथिली एवं जगन्नाथ चारिधाम सफल कले मोर गोटे घर गोटे चोरी है आम स्वामी स्त्री पुह समस्त आम शु घर विशेष सामान चोरी है आम शु आम उपर डेईकि जावासिया करू था चोर कि आमर कार निद भागियार नाई जगन्नाथ कहू शु से कौन नौ नौ कि सब अनुभूति अनुभूति तो ये अच्छी जगन्नाथ पाखे गोटे हेरा पंचमी टाइम आम गाँव रारिजण आम आस पहुँची गलु हेले जगन्नाथ को दर्शन करने को बाउंश गली भितर लाइन लगला गुंडीचा घरे मो आगर अच्छा दुईश हम लोक नंबर रे मो पछर अन बेलू पाँच हम मुझे मझीर बाहरी पड़ू मुझे पशिपरिनी से फेर पछुक जीवी मो हाथ में तुणुसा मालटा ना मो मनर बहुत संता मु जगन्नाथ दर्शन करने को आसली नड़िया कदमी धरी नड़िया कदमी तो जगन्नाथ संतुष्ट नुहंती
ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ଯେ ତୁଳସା ଟିକିଏ ଦେଲେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୋ ମନରେ ମନରେ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ତୁଳସା ମାଳଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁଣ୍ଡିଚାହାର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ତିନିଟା ମାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ଆଗରେ ଶହେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲାଣି ତିନିଟା ମାଳ ଅଛି। ହେଲେ ଇଏ ଶହେ ଲୋକ ଭିତରୁ ଲୋକ ତ ନେଇଯିବେ ନା ତିନିଟା ମାଳ ରହିବ କି ଆଉ ପାଖକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ମାଳ ସେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଶ ଜଣ ହବା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇନା ମାଳଟେ ଦିଅ ଭାଇନା ମୋତେ ମାଳଟେ ଦିଅ କେତେ ପଇସା ହେଲା ଦଶ ଟଙ୍କା ବୋଲି ହଉ ହେଲେ ମାଳଟା ଧରିଲି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଧରିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଠେଲା ପେଲା ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ତୁଳସା ମାଳ ଦେବି କାହାକୁ ଆଣିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବି ହେଲି ତୁଳସା ମାଳଟା ଦେବି କାହାକୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ କରିବା କାହା ହେଲେ ବାହୁଡ଼ିକି ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ ଠେଲିକି ତ ବାହାରି ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଅ ଟିକେଟ ମିଳିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେଟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯାଇକି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ନମ୍ବର ଲଗାଇଛି ମୋ ଆଗରେ ଆଉ ଆଠ ଦଶ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେଟ ମ୍ୟାଡ଼ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସିକି ଭାଇନା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବୋଲି ଭାଇନା ଟିକେଟ ଦେଲେ ପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ବୁକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହଉ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଆଗ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସିଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଜଣ ହବ ଆସ ଆସ ଏମିତି କହିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତ ଜଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଜାଗାରେ ଟିକେଟ ବୋଲି ହଉ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଲି ଆଉ ମୁଁ ମନରେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମିଛ କହିବି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେଟ ଆଣିଛି ବା ଟିକେଟ ଦେଇସାରିଲାଣି କହିବି ସେଇଟା ମିଛ ହେଲା ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ମିଛ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବି ଏଇ ମନର ଭାବନା ଧରିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ପଶିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲା ପୋଲିସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାଖରେ କିଏ କହୁଛି ବୋଲା ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ ତୁମେ ମଝିରେ ରହିଛ ଟିକେଟ ମାଗୁଛ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି କେତେଟା ଟିକେଟ ଆମେ ଆଣିଛୁ ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବୁ ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପଛକୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବଡ଼ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ବଡ଼ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେଲା ସେମିତି ମନ ଯଦି ଖୋଲା ଥାଏ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏହି ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିର କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।